अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना पुराना सारा काम कर चुके होंगे। आपने लेटर अलिफ, अलिफ मद आ और बे के बारे में पढ़ा, आज हम पे के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास आज नया लफ्ज़ पे है। क्या लफ्ज़ है ये? पे। और पे के कितने नुक्ते होते हैं? तीन। एक, दो, तीन। पे, क्या नाम है इस हर्फ का? पे। क्या नाम है इस हर्फ का? पे। पे, पे, जी। पे का गीत सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी। पे पा पत, पे पा पंखा चलता जाए, पे पा पंखा चलता जाए। गीत मैं आपको हर लेटर के साथ सुनाती हूँ। सब बच्चों ने हर लेटर के साथ गीत याद करना है। जैसे कि अलिफ आ अनार, बड़ा मज़ेदार। बे बा बंदर, भाग जाओ अंदर। पे पा पंखा चलता जाए। इसी तरह मैंने हर लेटर की आपको कहानी भी सुनाई थी। जैसे कि अलिफ की कहानी थी, एक दिन अम्मी अब्बू बाजार से अहमद के लिए अंगूर लाए। और बे की कहानी, बादल आ गए, बारिश होने लगी, बच्चे बारिश से बचने के लिए भागे। इसी तरह अब पे की कहानी है जी, ये है हमारी पे की कहानी। पप्पू का पैर फिसला और पप्पू पानी में गिर गया। ये हमारा लेटर पे है, ये पप्पू हैं। इनका पानी में पैर फिसल गया और ये गिर गए हैं। पप्पू का पैर फिसला और पप्पू पानी में गिर गया, ये हमारी पे की कहानी है। पे का गीत और कहानी आपने याद करना है। अब मैं आपको पे से ज़खीरा अल्फाज के मतलब बताऊँगी जी। पे से पालक, पे से पालक, पे से पतलून, पे से पर्दा, पे से पौधा, पे से पकवान, पे से पूरी, पे से पतंग, पे से परचम, पे से पत्ता जी। इस तरह और भी बहुत से पे से लफ्ज़ बनते हैं। आपने पे से लफ्ज़ बनाने और अपनी मामा को सुनाने हैं। और सब बच्चों ने देखना है पे से क्या क्या वर्ड होता है। जैसे कि पे से पानी है, पे से पलंग है, पे से पत्ता है, पे से पकवान है, पे से पेंसिल, पे से पेंसिल। मेरे पास भी देखें, हाथ में एक पेंसिल है। और पे से बहुत से अल्फाज बनते हैं। आपने सोचना है कि पे से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। अब आते हैं हम अपने क्लास वर्क की तरफ। तो सबसे पहले आपने असास कायदा लेना है, उस पर आपने ये फॉर्मेशन पे की यहाँ से यहाँ तक बनानी है। फिर पे से पंचक्की, पे से पट्टी, पे से पाकिस्तान, पे से पर्दा, पे से पर, ये परिंदे का जो पर होता है, पे से परिंदा भी बनता है, पे से परिंदे का पर। इन तमाम तस्वीरों में आपने कलर करना है और यहाँ पे आपने पे को खुद लिखना है। पे को आपने खुद लिखना है। आप एक बाउल में सबसे पहले सूजी या कोई ऐसा मवाद ले लें, सैंड ले लें, सूजी ले लें, आटा ले लें, बर्तन में डाल के। मेरी वालदैन से गुजारिश है कि वो बार बार बच्चों को फॉर्मेशंस का बताएं। जैसे बे की फॉर्मेशन है वैसे ही पे की फॉर्मेशन भी है। और पे के सिर्फ थ्री डॉट्स को बार बार बच्चों को बताना है कि पे के थ्री डॉट्स नीचे होते हैं, पे के थ्री डॉट्स नीचे होते हैं, पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं। ये पे से पत्ता बना हुआ है, इस पत्ते को आपने कलर करना है और इसमें नुक्ते नहीं हैं। ये है आपका क्वेश्चन, हर्फ के नुक्ते लगाएं। ये आपका हर्फ है, इसके नीचे कोई नुक्ता नहीं है। आपने इसको बे नहीं बल्कि पे बनाना है। क्या बनाएंगे आप? ये देखें, पहले हम एक नुक्ता लगाया तो ये बे बन गया, लेकिन हमने थ्री डॉट्स लगाने हैं तो ये पे बन जाएगा। पे से पत्ता, पे से पत्ता, पत्ते को आपने हरा रंग करना है। और अच्छा सा काम अपना ये करके आप मेरी तरफ सेंड करें और मुझे बताएं कि आपने आज का काम कंप्लीट कर लिया।